कौन है ये जिसने कोमोलिका को पलट के नहीं देखा? Who is he? How unlucky. देखा ही नहीं होगा, देख लेता ना तो न नजर हिलती न पैर। Hi guys, welcome back to my channel. और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम ब्यूटी शालू। और गाइज आज ये जो मैंने लुक क्रिएट करने की कोशिश की है ये है कसौटी जिंदगी की सीजन 2 से हिना खान ने जो मेकअप किया है। और गाइज मैं उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखना चाह रही हूँ, तो मैंने ये सिंपली सा एक मेकअप क्रिएट किया है जो कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और साथ में एक नोटिफिकेशन बेल आती है तो गाइज उसे जरूर हिट कर देना ताकि मेरी हर अच्छी बुरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करती हूँ एक वाइप्स, और जिससे मैं अपना फेस क्लीन करूंगी, बट धो लिया है फिर भी मैं अपना फेस क्लीन करूंगी। के लिए ले रही हूँ जॉनसन्स बेबी का क्रीम जो कि बहुत अच्छी है ड्राई स्किन के लिए। और गाइज मतलब ये क्रीम आप अगर लेके आएंगे तो अपने लिए भी यूज कर सकते हैं और बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं पहले ये लगा रही हूँ अपने फेस को फिर से मॉइस्चराइज करने के लिए। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये SFR का प्राइमर जो कि बहुत ही अच्छा ड्राई टू ऑयली स्किन के लिए जल्दी से ही आपके फेस पे ब्लेंड और बहुत ही जल्दी आपके फेस पे ड्राई हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और फॉर ऑयली स्किन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ओलिविया का फाउंडेशन इन द शेड 2, और मैं इसको अपने हैंड्स पर लूंगी अच्छे से। मैंने इसको सेकंड टाइम ही यूज किया है अभी, ग्लैम 21 का कंसीलर जिसका शेड है 10। और गाइस ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है। सेट करने के लिए ले रही हूँ ये कलर सेंस का बहुत ही अच्छा फेस पाउडर जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और आप देख सकते हैं ये खत्म हो गया और मेरा टूट भी गया था, और मैं इसे सेट करूंगी अपनी आईज। और अपने पूरे फेस को गाइज मैंने ग्रेड करने की कोशिश तो की है बट पता नहीं हो पाएगा या नहीं, तो जैसा भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा हुआ है। आई मेकअप करने के लिए ले रही हूँ ये SFR का पैलेट जिसमें कि सारे ही मैट शेड हैं। तो पहले मैं ये लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ, बहुत ही ज्यादा पाउडरी है तो इसे हमें थोड़ा डस्ट करके लेना पड़ेगा। और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो इसमें है ब्राउन स्मोकी आईज। गाइस
नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये एन वाई बी का काजल और मैं इसको अपनी आई लिड पे लगाऊंगी। आपको ऐसे ही रफली लगाना है थोड़ा थोड़ा। आपकी क्रीज लाइन से ऊपर ना जाए ये, और मैं इस ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड करूंगी। ब्लैक आई शेडो की हेल्प से इसको पैक कर दूंगी ताकि मेरा काजल स्मच ना हो। और मैं फिर से इसे ब्लेंड करूंगी ब्राउन कलर से। और काजल के लिए ले रही हूं मैं ये स्ट्रे कुकी का काजल। और मैं अपनी आईब्रो फिल करने के लिए ले रही हूँ ब्लैक आई शेडो इसी में से। आप चाहें तो आईब्रो पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये मेरी आईब्रो फिल हो गई है। तो इसमें एक बहुत ही ज्यादा जो मज़ेदार पार्ट है जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो है बहुत ही ज़्यादा हार्श कॉन्टोरिंग जो कि मैं अब करने जा रही हूँ। तो मुझे पता नहीं कि कैसा लगेगा मेरा फेस क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्टोरिंग है। और मैं कॉन्टोरिंग करने के लिए ले रही हूँ SFR का पैलेट, और मैं कॉन्टोरिंग करने के लिए ये वाला शेड ले रही हूँ। ब्लश के लिए ले रही हूँ मेरा मार्स का ब्लशर पैलेट, और इसमें से मैं ये वाला पीची शेड यूज करूंगी। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी ये फेक लैश जो कि मैं ऑफ कैमरा यूज करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ी इरिटेशन होती है इसे लगाने से। और मैं नेक्स्ट ले रही हूँ ये एसेंस का मस्कारा। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये लैक्मे की लिप बाम। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ग्लैम 21 की लिपस्टिक और जिसका शेड है 19। हाइलाइटर के लिए ले रही हूँ ये इन कलर का बेकिंग हाइलाइटर जिसका शेड है शेड नंबर 1। ये एक शैम्पियन शेड है, नॉट अ वाइट शेड, आपको दिख रहा होगा।
मेकअप फिक्सर। और मैं अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए एक ले रही हूं बिंदी। और ये मेरा लुक कंप्लीट तो नहीं हुआ है और मेकअप कंप्लीट हो गया है और मैं अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं पहन के आती हूँ ज्वेलरी। बिजली के तार से, तेज छुरी की धार से, बिहार का बेबाकपन। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ ही एक नोटिफिकेशन बेल आती है तो गाइस उसे जरूर हिट कर लेना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और गाइस अगर आपको ये मेकअप पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसमें कुछ कमी लगी हो तो वो भी जरूर बताना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.